स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो के साथ हमारे चैनल पर। और अभी हम आए हैं आज ट्रेड फेयर, एक पास का जुगाड़ अपना हो गया है, पास लेके अपन लग गए हैं एंट्री की लाइन में। चलते हैं देखते हैं, मैं वैसे 5 से 7 साल बाद आ रहा हूँ कुछ, और देखते हैं अभी कुछ स्पेशल बनाया है क्या किया है लोगों ने। तो हमने एंट्री कर लिया फाइनली सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, और ये कुछ तो बढ़िया बना दिया पहले से, देख रहे हो अभी पर्टिकुलर पूरी एंट्री है। इधर ये हॉल बनाया हुआ है और सामने अभी अंदर चलते हैं, बाकी देखते हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए इन्होंने है। जैसा पहले था ट्रेड फेयर जैसा लगता था स्टॉल वगैरह, उसके अकॉर्डिंग अब सब कुछ इन्होंने हॉल में शिफ्ट कर दिया है, बाकी देखते हैं आगे क्या है। काउंटर है अपना इंडियन रेलवे का, जिसको पूरा जो है इंटरफेस बनाया हुआ है एज इट इज़, जैसा अयोध्या रेलवे स्टेशन बनेगा पूरा देख सकते हैं आप। एक छोटा सा डमी है रेलवे स्टेशन अयोध्या का कैसा होगा। चलो तो अभी हम चलते हैं बिहार हॉल पे और देखाते हैं अंदर कुछ स्पेशल है क्या है। अभी ज़्यादा तो कुछ खास तो मिला नहीं अंदर, महाराष्ट्र से अभी आए हैं, महाराष्ट्र में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं था देखने के लिए। और अभी हम चल रहे हैं अपना बिहार स्टॉल पर और देखते हैं अंदर का क्या सीन है। और ये हम एंटर कर चुके हैं बिहार स्टॉल काउंटर जो भी बोलो हॉल, और ये है कुछ अंदर का व्यू, वही सब शॉप्स ही बनी हुई हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वहाँ की कारीगरी दिखाई हुई है क्राफ्ट वगैरह। आत्मनिर्भर भारत मुजफ्फरपुर भाई, क्यों भाई ज़्यादा कुछ खास था नहीं स्टॉल के अंदर, बस वही अपना हैंडक्राफ्ट आइटम क्लॉथिंग्स और अपना वहाँ का जो भी लोकल ट्रेडिशन है वहाँ के जूस वगैरह पेंटिंग्स फैब्रिक्स वही सब था मेन बस इसके अंदर। अच्छी हॉल की डेकोरेशन अच्छी है। ये हमारा उत्तर प्रदेश और अब चल रहे हैं उत्तर प्रदेश काउंटर के अंदर हॉल के अंदर, देखते हैं क्या बना हुआ है कैसा बना हुआ है। ये थीम दी हुई है मंदिर वाली, आइए इसके अंदर चलते हैं। और ये कुछ फ्यूचरिस्टिक दिखा रखा है कैसे कैसे डेवलप हुआ है, और बीच में अपना ये राम मंदिर, जय श्री राम। और राम मंदिर के चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ऐसा ही कुछ दिखेगा मंदिर बनने के बाद। तो भाई लोग हमने उत्तर प्रदेश के फूड काउंटर्स के अंदर जाना शिफ्ट कर दिया है, एक इधर की है स्टॉल्स और कुछ ये उधर बने हुए हैं, और ज़्यादा कुछ कुछ खास है नहीं इसके अंदर ही, वही सब खाने के आइटम्स हैं अचार परफ्यूम्स इत्र एंड कुछ पेंटिंग्स और फैब्रिक्स क्लॉथिंग्स वगैरह, तो इसलिए अभी हम स्किप कर रहे हैं इसके अंदर भी जाना, अब अंदर नहीं जा रहे हैं। ये कुछ गवर्नमेंट सब्सिडियरी है यूपी काउंटर के अंदर बोले तो उत्तर प्रदेश, और ये यमुना एक्सप्रेस है उसको पूरा डेवलपमेंट वगैरह दिखा हुआ है इसके अंदर। ये कुछ रोबोटिक चल रहा है चंडन इंजीनियरिंग सर्विस, योगी बाबा। ये अपना बाहर आ गए हॉल से, और ये कुछ उत्तर प्रदेश लॉन्च बना हुआ है, तो कौशल जी कह रहे हैं हुक्का पीने के लिए, मैंने मना कर दिया इनको। तो भाई लोग अपन अब आ रहे हैं वेस्ट बंगाल हॉल के अंदर, और अब
वेस्ट बंगाल, कर्नाटका और एक दो देखते हैं कौन कौन से हॉल अभी अपन एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश हॉल के अंदर और मनाली और कसौल चलते हैं, देखते हैं मलाना मिलता है नहीं मिलता है इधर। ये देखिए हिमाचल का सेंटर है और ये तो बहुत ही छोटा बनाया हुआ है कपड़े है इसके अंदर, ना ही मलाना क्रीम है ना ही कुछ दुकानें हैं, बस ये क्लोथिंग और ये कुछ जड़ी बूटियाँ वगैरह है इसके अंदर और कुछ ये आर्ट्स वगैरह दिखाई हुई है डिस्प्ले लगा के और ये कुछ कल्चर है इधर का, बाकी ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर। अपना बस शुरू होके इतने से पहले खत्म हो, तो अब अपन चल रहे हैं छत्तीसगढ़ और देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्या मिलता है। यार यहाँ भी मेरे को लग रहा है कुछ है नहीं और थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर करना, बहुत शोर आ रहा है पीछे से, कुछ अनाउंसमेंट हो रही है स्पीकर में। एक कुछ क्राफ्टेड ज्वेलरीज हैं, ज्वेलरी कह रहा हूँ, कुछ स्टैचूज हैं। भाई छत्तीसगढ़ भी ऑलमोस्ट शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया है, यहाँ पे बस कुछ एंटिक शॉप्स हैं, फैब्रिक्स है और एक दो वहाँ की फार्मिंग के स्टॉल्स हैं, बाकी ज़्यादा कुछ खास है नहीं इधर भी। छोटे छोटे स्टॉल्स बना रखे हैं, पहले के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटे हो गए हैं बस, लेकिन हाँ लुक एंड फील अच्छा हो गया है इसका, ट्रेड फेयर का स्टॉल्स हॉल्स वगैरह अच्छे हो गए हैं, लाइटिंग वगैरह की वजह से इफेक्ट बढ़िया हो गए हैं बस, बाकी ज़्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा हमने। और अब अपन जा रहे हैं तमिलनाडु, ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया। चेन्नई वगैरह में ही है मैक्सिमम सबके जो प्लांट्स हैं ऑटोमोबाइल्स के, तो देखते हैं इसके अंदर हो सकता है कुछ बढ़िया मिले अपने को देखने के लिए। कुछ रोबोटिक्स वगैरह अच्छे बना रखे हैं, चलिए फिर चलते हैं अंदर और देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग है तो इसके अंदर देखने के लिए। ये ग्रीन इफेक्ट बहुत बढ़िया लग रहा है, पूरा वाइल्ड लाइन आई हुई है चेन्नई बोले तमिलनाडु, वाइल्ड लाइफ अच्छी लग रही है। ये अपन अंदर एंट्री कर रहे हैं, और ये देखिए आर्ट ऑफ पूरा इसके अंदर पूरा ग्रेन्स का ही यूज़ किया हुआ है, सारा जो आपको दिख रहा है सब राइस है, और ये जितने आपको ग्रेन्स दिख रहे हैं इन्हीं ग्रेन्स का सबको यूज़ करके बनाया हुआ। ये वहाँ की हर्ब्स है जो तमिलनाडु में पाई जाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब हर्ब्स, ये हर्ब्स ही मिलती हैं सब तमिलनाडु साइड में, वहीं की दिखाई हुई है। ये कुछ मॉडल्स हैं वहाँ के, शायद पता नहीं जो भी है, लेकिन एग्रीकल्चर अच्छा बना हुआ है सामने आप ब्लॉगिंग करते हुए। हैंडक्राफ्ट फैब्रिक सब तमिलनाडु का, ये कुछ ज्वेलरी आइटम्स हैं इधर यहाँ की, और ये हो गया अपना पिकल्स वगैरह, ये हमने एग्जिट कर ली, और ये है पूरा आउटर एंट्री, बहुत बढ़िया बना रखी है तमिलनाडु स्टेट की, और एग्जिट भी बहुत बढ़िया है, इलाके बढ़िया था। देखिए अब केरला का हॉल एग्जीबिशन है और इसका व्यू बहुत जबरदस्त बना हुआ है एंट्री गेट, लेकिन अंदर कुछ ज़्यादा खास होने वाला नज़र नहीं आ रहा, सेम बस वही वहाँ के हैंडीक्राफ्ट और कल्चर वगैरह ही है इसके अंदर, तो इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे, बाहर से बाकी अपने एंट्री देख ही लिए इसकी। भाई अपन ने 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी हॉल है सबके सब कवर कर लिए,
और ज़्यादा कुछ है नहीं यार इस बार 8, 9, 10, 11 में खाली अपने फूड स्टॉल लगे हुए हैं और ज़्यादा कुछ अपने को खास मिला नहीं यहाँ घूमने के लिए। पहले जैसे 27, 28, 30 तक कुछ आसपास स्टॉल होते थे, इस बार मात्र 12 ही हॉल बनाया मैंने, बहुत कम हो गया है और ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस बार देखने के लिए। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए। लेकिन हाँ पहले के अकॉर्डिंग अच्छा हो गया है, हॉल अच्छे डिज़ाइन हो गए हैं और आपके स्टॉल्स वगैरह बहुत बढ़िया बना रखे हैं और अगर आप चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मेरे पिक्चर आप देख सकते हैं, ये हॉल नंबर 11 है और पूरा फूड कोर्ट है और उस तरफ मैं दिखाता हूँ, ये मेरे पीछे है पूरा हॉल नंबर 10, ये पूरा सब जगह फूड कोर्ट ही बना रखे हैं। फूड कोर्ट मतलब इन द सेंस कि हर जगह की जो ट्रेडिशनल स्वीट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सब ही इसके अंदर मिल रहा है और ज़्यादा कुछ खास नहीं। कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी आइटम्स हैं, कुछ डेयरी वगैरह चेकर ली हुई हैं वो है। तो भाई लोग अपन ने पूरा घूम लिया, ट्रेड फेयर जितना घूमना था, हार्डली अपने को 2 घंटा भी नहीं लगा। 10 बजे एंट्री हुई थी और 12 बजे से हम एग्जिट पहले एग्जिट करने वाले हैं। जो भी था जैसा भी था ठीक ठाक था। हॉल नंबर 2, 3, 4, 5 बढ़िया है, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ खास दिखा नहीं अपने को। बाकी भाई लोग तुम बताओ कैसा है वो था। आगे एक चीज़ बताइए तो भाई ये कह रहा है कि मुझे ना यहाँ पर ना मतलब उत्माल से ज़्यादा ना बंदे पसंद आई हैं। मैंने देख लो भाई तुम हमारे को भी दिखाओगे ना 27 तारीख के, है ना भाई। वो भाई एक्चुअल नेपाल से हैं तो उनको बंदियाँ ज़्यादा पसंद आई दिल्ली में, कह रहे हैं नेपाल में ऐसी बंदियाँ नहीं मिलती अपने को। तो खैर जो भी है मजाक से हट के, जो भी था बढ़िया था, सब कुछ 2 घंटे में ख़त्म हो गया अपना। और अभी हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं ट्रेड फेयर से बाहर जाते हैं। चलो तो भाई इस मोड को, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और अब चल रहे हैं कहीं अपनी दूसरी लोकेशन की तरफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।